दिल्ली दरबार, और ब्रैकेट में होगा 1911। आजकल एग्जाम का थोड़ा सा ट्रेंड बदल रहा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि आपसे दिल्ली दरबार ना पूछ के इससे कनेक्टेड इंफॉर्मेशन पूछ लेंगे कि दिल्ली दरबार के टाइम भारत का वायसराय कौन था, ठीक है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस चेंज हो रहे हैं, तो उस चीज को समझते हुए हमें आगे बढ़ना है। तो दिल्ली दरबार 1911 में ऑर्गेनाइज हुआ, और किस लिए ऑर्गेनाइज हुआ था कि ब्रिटेन से ना वहां के क्राउन आ रहे थे जॉर्ज फाइव, और उसकी क्वीन थी मैरी, तो उसके स्वागत के लिए दिल्ली दरबार का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। अब क्या हुआ कि जो हमारे लीडर्स थे या जो इंडियंस थे, ठीक है, उन्हें लगा कि क्या पता अगर हम क्राउन से रिक्वेस्ट करें, कुछ बोलें, तो हमारी बात मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या किया गया कि इस दिल्ली दरबार में, मैंने आपको बताया था पार्टीशन ऑफ बंगाल बताया था, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। पर यहाँ पर जो बिहार और उड़ीसा है वो अलग ही रहे, ठीक है। तो पहली बात क्या हुई, बंगाल के पार्टीशन को रद्द कर दिया गया या कैंसिल कर दिया गया। दूसरी बात क्या हुई इसमें कि पहले आपको पता है कैपिटल क्या थी भारत की, कलकत्ता थी, ठीक है, और हमारे नेशनल मूवमेंट का क्या था, सेंटर भी था। तो कलकत्ता से कहाँ कैपिटल शिफ्ट कर दी गई, दिल्ली, ठीक है, कहाँ शिफ्ट कर दी गई, दिल्ली। तो समझते हैं, इसमें लिखो, इट वॉज ऑर्गेनाइज टू वेलकम ब्रिटिश क्राउन जॉर्ज फाइव। इट वॉज ऑर्गेनाइज टू वेलकम ब्रिटिश क्राउन जॉर्ज फाइव एंड हिज क्वीन मैरी। इसका आयोजन ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उसकी महारानी मैरी के स्वागत के लिए किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसल्ड बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई, ठीक है। तो दो बातें हुई, अब यहां पर मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा हूं, उसको समझना आप लोग, ठीक है। ये कौन से नंबर का दिल्ली दरबार था, पहला नहीं था, ये थर्ड दिल्ली दरबार था, ठीक है। इससे पहले दो हो चुके थे, तो फर्स्ट दिल्ली दरबार, सेकंड दिल्ली दरबार, और थर्ड तो यही है, थर्ड दिल्ली दरबार। ये हुआ था 1877 में, और वायसराय था लॉर्ड लिट्टन। में कौन होगा वायसराय, पता होना चाहिए आपको, ये बताओ, लॉर्ड कर्जन। और ये तो आपको पता ही है थर्ड, और वायसराय नहीं पता कौन था, हार्डिंग, लॉर्ड अपने आप लगा लेना, हार्डिंग्स था, ठीक है।
तो ये तीन वाइस राय था बेसिकली। आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है वो, फिर भी मैं बता रहा हूँ, सुन लेना बस, पर ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए ठीक है। ये क्यों किया गया था ठीक है, इस टाइम विक्टोरिया थी, कौन थी? विक्टोरिया। तो उसे इंडिया की सामग्री घोषित करना था ठीक है, और उसे केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी ठीक है, और इसमें काफ़ी सारा पैसा खर्च हो गया था इसके किस पर, इन चीज़ों पर, जबकि एक अकाल पड़ा तो उस पर पैसे की कमी पड़ गई थी। ये जो हुआ इस पर इससे भी ज़्यादा पैसा खर्च किया गया ठीक है, और एक एडवर्ड सप्तम थे तो उनके लिए ऑर्गेनाइज हुआ था ये ठीक है। और ये आपको मैंने अभी बताया कि वो दिल्ली मतलब भारत में आ रहे थे, तो उनके स्वागत के लिए क्या किया गया था, दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था। तो अगर आपसे पूछे कि तीसरे दिल्ली दरबार के टाइम भारत के वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड हार्डिंग्स थे ठीक है। अब यहां से समझो आप लोग, तो अब एक सिंपल सी बात है कि भारतीयों को कुछ मिला नहीं और वायसराय कौन है, हार्डिंग है ठीक है। इससे कनेक्टेड ही है क्योंकि दिसंबर वो ऑर्गेनाइज हुआ था ठीक है, तो इससे कनेक्टेड है। तो लॉर्ड हार्डिंग से लोग हेट करते थे क्योंकि हमें स्वतंत्रता नहीं मिल रही और हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा है। तो दिल्ली षड्यंत्र केस, इसमें क्या हुआ कि लॉर्ड हार्डिंग जब अपनी फैमिली के साथ जा रहा था ठीक है, गुजर रहा था, तो रास बिहारी बोस, मैं क्या बोल रहा हूँ अब, बोस है यहाँ पर, और एक दूसरा पर्सन था सान्याल, ये दो मेन लीडर थे इसके ठीक है, इस केस के, इन्होंने लॉर्ड हार्डिंग को मारने के लिए बम फेंक दिया। क्या कर दिया? बम फेंक दिया। तो बम फेंक दिया तो किसी कारण वो बच जाते हैं और क्या होता है कि इन पर मुकदमा चलाया जाता है। क्या चलाया जाता है ठीक है, और बाद में इनको फांसी दे दी जाती है। बाद में क्या दी जाती है? फांसी। तो इसके लीडर कौन थे? रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल ठीक है, और इन्होंने क्या किया, लॉर्ड हार्डिंग पर क्या फेंका, बम फेंका, थ्रो बम, ये लिख लो, दिल्ली षड्यंत्र केस। तो इसमें पूछा जा सकता है कि दिल्ली षड्यंत्र केस में क्या हुआ था, तो बम फेंका गया था किसके ऊपर, वायसराय लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर। और ध्यान रखना मैं जितने भी नेशनल मूवमेंट में आपको चीजें करा रहा हूं सब सीरियल वाइज करा रहा हूं, तो अगर अरेंज करने को भी आ जाए आपको तो आप लोग कर पाओगे। रास, हिंदी में नेता लिख लेना ठीक है, दोनों रास बिहारी घोष था हाँ, बस बोस और घोष का फर्क है। तो दिल्ली दरबार के टाइम वायसराय कौन था, कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। उसके बाद बंगाल विभाजन के टाइम वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन नहीं तो क्या था, तो वही वायसराय होगा ठीक है। उसके बाद सूरत सेशन के टाइम वायसराय कौन था? वायसराय बोला मैंने, मेऊ आ गए थे ठीक है। अब सुनो आगे, इसके बाद मैंने कहा था कि हमारा नेशनल मूवमेंट अभी चल नहीं रहा है, ये छोटी मोटी घटनाएं ही हो रही हैं ठीक है। मेन जो होगा 1916 के बाद होगा, जो भी होगा, तो उससे पहले हम समझते हैं एक 1913 में, नेक्स्ट हेडिंग लिखो, गदर पार्टी, अपनी वाली पार्टी मत लेना, गदर पार्टी करनी है, गदर पार्टी लिखो आप लोग, गदर पार्टी या गदर मूवमेंट भी बोल सकते हो आप, गदर पार्टी भी बोल सकते हो ठीक है। 1913 गदर पार्टी या गदर मूवमेंट 1913। यहां से सिर्फ तीन क्वेश्चन आते हैं,
इस गदर पार्टी से सिर्फ तीन क्वेश्चन आएगा कि गदर पार्टी कब बनी, ठीक है, दूसरा आएगा कि इसके फाउंडर कौन थे, और तीसरा आएगा कि कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। बेसिकली विदेशों में नेशनल मूवमेंट को चलाने के लिए, ठीक है, इन पार्टीज़ को ऑर्गेनाइज किया गया था, बनाया गया था, पर इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं रहा। तो हमें सिर्फ क्या जानना है कि 1913 में हुआ, लिखो, फाउंडर हैं इसके लाला हरदयाल, फाउंडर हैं इसके लाला हरदयाल, हाँ, और इस्टैब्लिश्ड इन सैन फ्रांसिस्को। कहाँ है सैन फ्रांसिस्को? यूएसए में, ठीक है। तो सैन फ्रांसिस्को यूएसए लिखना, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में यह स्थापित हुआ। तो आज भी अगर हम देखें कि कोई भी मूवमेंट शुरू होता है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी विदेशों में भी होती है, तो उसी तरीके की आप एक्टिविटी मान सकते हो, ठीक है। और इसमें जो इनका काम चला, जो इन्होंने फैलाया नेशनल मूवमेंट को, गदर एक उनकी क्या थी, वीकली मैगजीन थी, पत्रिका, क्या बोलते हैं, पत्रिका थी, ठीक है, उसके थ्रू चलाया। और ये जो भी करते थे वो गुरिल्ला वॉरफेयर के थ्रू करते थे, गुरिल्ला युद्ध, समझते हो, गुरिल्ला युद्ध, घात लगाकर हमला करना। चीता को देखा है कभी, झाड़ियों में छुप जाता है, जैसे कोई आ गया है वैसे ही मार देता। तो उस तरीके की कुछ एक्टिविटीज थी इनकी, ठीक है। मैंने कहा है ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो इसको पे ज़्यादा ध्यान मत देना, पर ध्यान रखना इसके फाउंडर कौन है, कहाँ इस्टेब्लिश हुई है, सैन फ्रांसिस्को में, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। अब 1913 भी हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पर आपको पता है कि हमारे यहाँ पर नहीं, पूरी दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हो जाएगा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट कब से कब तक, एटीन तक चलता है, कब तक चलता है, ठीक है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 18 तक चलता है। तो अब सिंपल सी बात है कि ब्रिटिश भी लड़ रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, और वो अच्छाई की तरफ से लड़ रहे हैं या बुराई की तरफ से लड़ रहे हैं, सही बात है। तो देखो क्या है कि इस टाइम क्योंकि ब्रिटिशर का इंडिया के ऊपर रूल है, ठीक है, और इंडियन से वो क्या चाहेंगे, सपोर्ट चाहेंगे, ठीक है, कि सपोर्ट चाहेंगे। और फिर बाद में 15 में गांधी जी भी आ जाएंगे, तो गांधी जी कहेंगे कि हम भारतीयों को ना सपोर्ट करना चाहिए क्योंकि वो मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहे हैं, ठीक है। तो गांधी जी को कई बार ये कहा जाता है, किसका, भर्ती करने वाला नेता, ठीक है, भर्ती करने वाला, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, होम रूल मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट, होम रूल आंदोलन, मूवमेंट, इंग्लिश में मूवमेंट लिखोगे और हिंदी में आंदोलन लिखोगे। और ब्रैकेट में होगा 1916। देखो होम रूल, होम रूल मतलब कि इंडियन का अपने घर में खुद ही रूल होना चाहिए, ना कि किसी विदेशी का होना चाहिए, तो होम रूल का मतलब ये है। और होम रूल जो इंडिया में चला वो इंस्पायर्ड कहाँ से था, आयरलैंड से, कहाँ से इंस्पायर्ड था, आयरलैंड से, ठीक है। और दो व्यक्तियों ने इंडिया में होम रूल मूवमेंट चलाया, आपको पता होगा, एनी बेसेंट, सुना है नाम, कहाँ से आई थी वो, वो आयरलैंड से ही आई थी, ठीक है। तो आप समझते हैं, देखो क्या था कि होम रूल मूवमेंट इंडिया में 1916 में चलाया गया, किससे इंस्पायर्ड था ये, इंस्पायर्ड फ्रॉम आयरलैंड होम रूल मूवमेंट, नहीं नहीं आयरलैंड से ही था वो, ठीक है। आप, मैं बता रहा हूँ, आपने 14 वाला सुन लिया होगा, कामागाटा मारू, ठीक है। तो
किससे इंस्पायर था ये? आयरलैंड के होम रूल मूवमेंट से इंस्पायर था, ठीक है। इंडिया में दो व्यक्तियों ने चलाया, जिसमें एक का नाम है बाल गंगाधर तिलक, और दूसरा नाम है, और इधर लिख दूं थोड़ा या ठीक दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है यहां पर भी दिख जाएगा। दूसरा मैं लिख रहा हूं एनी बेसेंट, नहीं सुनते जाओ अभी सुन लो, फिर लिखने पे थोड़ा कम ध्यान दो, जब मैं समझा दूं तो अपने आप मैं कह दूंगा कि लिख लो। देखो बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जो होम रूल मूवमेंट चलाया पुणे से चलाया, कहां से चलाया? पुणे से चलाया, ठीक है। और इनका जो होम रूल मूवमेंट था वो पुणे, महाराष्ट्र और उसके आसपास के इलाकों तक सीमित था, ठीक है। जबकि एनी बेसेंट ने मद्रास से चलाया, कहां से चलाया? तो साउथ इंडिया के साथ साथ ये नॉर्थ इंडिया में यूपी जैसी जगहों पर भी क्या था, ये चलाया गया था, ठीक है। तो मतलब अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि दोनों में से किसका होम रूल मूवमेंट ब्रॉड था, तो किसका ज्यादा था? एनी बेसेंट का था, ठीक है, एनी बेसेंट का था। अब बेसिकली पुणे में इन्होंने चलाया, तो इन्होंने चलाया अप्रैल में। मैं क्यों लिख रहा हूं, एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, कि पहले किसने चलाया, या ऑर्डर में लगाने, मुझे क्वेश्चन याद नहीं है पर आया जरूर था ऐसा कुछ, सितंबर 1916 में इन्होंने चलाया। तो पहले किसने चलाया? बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। अब बाल गंगाधर तिलक ने किसके द्वारा चलाया, तो इनके न्यूज़पेपर थे मराठा और दूसरा था केसरी। कौन सा था? मराठा और केसरी। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैं अगर कुछ मूवमेंट चलाऊं यहां पर तो ये यहीं तक रहेगा जब तक उसको फैलाया ना जाए, तो फैलाने के लिए मराठा और केसरी दो न्यूज़पेपर थे। मराठा जो थी ये इंग्लिश भाषा में थी, इंग्लिश लैंग्वेज में, और केसरी जो थी मराठा लैंग्वेज में थी। किसमें थी? मराठा लैंग्वेज में, ठीक है। इसका आपको पता ही है, अंग्रेज है तो इंग्लिश में ही होगा। तो न्यू इंडिया और दूसरा है कॉमनवेल्थ। तो एनी बेसेंट ने मराठा और केसरी के थ्रू चलाया, और एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के थ्रू चलाया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मराठा और केसरी किसकी थी और न्यू इंडिया या कॉमनवेल्थ किसकी थी, ये ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। और इसी मूवमेंट के दौरान तिलक ने कहा था, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे पाकर रहूंगा। तो इसी मूवमेंट के दौरान उन्होंने दिया था, नोट कर लो आप लोग। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगा लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस। लखनऊ सेशन ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ब्रैकेट में होगा 1916, तो कांग्रेस का लखनऊ सेशन काफी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि 1907 में क्या हुआ था, कांग्रेस बट गई थी, ठीक है। और 9 साल हो चुके हैं अब दोनों को बटे हुए, अभी तक मिली नहीं है, तो मिलन कराना होगा वरना हमारा नेशनल मूवमेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा,
ठीक है, क्योंकि जब तक एकता ना हो तब तक हम कोई काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो थे या अध्यक्ष जो थे वो थे अंबिका चरण चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और इसमें दो बड़ी बातें हुई। ठीक है, क्या हुआ कि जो सूरत सेशन में कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी वो दोबारा से क्या हो गई, एक हो गई। दोबारा से क्या हो गई, एक हो गई। और आपको पता है कि मुस्लिम लीग भी बनी थी, कब बनी थी, 1906 में। फाउंडर कौन थे उसके, सलीमुल्लाह खान। तो अब ये विचार किया गया कि मुस्लिम लीग को भी साथ मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रयास करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। ठीक है, तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में भी क्या हो गई, यूनिटी एस्टैब्लिश हो गई। ठीक है, और इस यूनिटी के प्रेरक कौन माने जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। ये क्वेश्चन आया हुआ कि जो कांग्रेस में और मुस्लिम लीग में जो यूनिटी एस्टैब्लिश हुई इसके लीडर कौन माने जाते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। ये क्वेश्चन आया है कि यूनिटी एस्टैब्लिश करने वाले, ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि मुझे लगता है किताबों में शायद नहीं मिलता पर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। तो अध्यक्ष लिख लिया आपने, कौन है, अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। लिबरलिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट, लिबरलिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट यूनाइटेड अंडर कांग्रेस। कांग्रेस के अंतर्गत, हिंदी में कांग्रेस के अंतर्गत उदारवादी और उग्रवादी एक हो गए। लिबरलिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट यूनाइटेड अंडर कांग्रेस। नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ऑल्सो यूनाइटेड। कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग ऑल्सो यूनाइटेड। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी एकता स्थापित हो गई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी एकता स्थापित हो गई, और किसकी वजह से, मोहम्मद अली जिन्ना की वजह से। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने बात की वो किसकी की, एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट की। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको गांधीयन फेज। ठीक है, गांधीयन फेज की बात कर रहा हूं। ठीक है, और गांधीयन फेज का मतलब क्या है, गांधी के द्वारा। तो गांधी के द्वारा या गांधी के विचारों के द्वारा, विचारों के द्वारा। ठीक है, क्योंकि गांधी ने आजादी नहीं दिलाई, गांधी के विचारों ने दिलाई। ठीक है, तो सबसे पहले गांधी की बात कर लेते हैं। गांधी जी ने अपनी आधी लाइफ या ज्यादा लाइफ बाहर रहकर गुजार दी, मतलब फॉरेन टूर पर थे वो। मैं बात नहीं करूंगा कि गांधी का जन्म कब हुआ। ठीक है, गांधी के पापा का नाम क्या था, उसकी बात नहीं करूंगा। ठीक है, मैं सिर्फ बात करूंगा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, गांधी जी देखो वकालत करने इंग्लैंड गए। ठीक है, फिर एक केस लड़ने भी कहाँ जाते हैं, एक केस लड़ने जाते हैं साउथ अफ्रीका। कहाँ जाते हैं, ठीक है, एक इंडियन मर्चेंट होता है, एक इंडियन मर्चेंट होता है, भारतीय व्यापारी जिसका नाम होता है अब्दुल्ला।
इसका केस लड़ने गांधी जी कहाँ जाते हैं? साउथ अफ्रीका। केस तो जीत जाते हैं वो, पर जब वो ट्रेन में बैठ रहे होते हैं ठीक है, तो उन्हें बाहर फेंक दिया जाता है। कहाँ फेंक दिया जाता है? बाहर। और सीख मिलती है इन चीज़ों से, रियल में सीख मिलती है। बाहर फेंक दिया जाता है। अगर गांधी जी वहाँ पर डंडा उठा लेते उन्हें मारने के लिए तो क्या होता? जेल भी नहीं होता, वहीं गोली मार दिया जाता। ऐसा हो सकता था क्योंकि वो वायलेंस करने वाले थे, अगर ऐसा करते तो। पर उन्होंने क्या किया? शांति से काम लिया। जैसे हस्बैंड वाइफ में अगर लड़ाई हो रही हो और एक बोल रहा है और दूसरे भी बोलने लग जाए तो बात बिगड़ेगी और हाथापाई भी हो सकती है, ठीक है। तो अगर एक शांति से काम ले तो दूसरा भी शांत हो जाएगा बोलते बोलते। तो गांधी जी ने यही किया। मतलब अगर ट्रुथ और नॉन वायलेंस की अगर आप बात करोगे तो गांधी जी ने उसे कहाँ आजमाया था? साउथ अफ्रीका में आजमाया था, ठीक है। और केस लड़ने के बाद वो साउथ अफ्रीका से कहाँ आते हैं? इंडिया आते हैं। और इंडिया में पहुँचते हैं 9 जनवरी 1915 को, ठीक है। तो 9 जनवरी को पहुँचते हैं, इसलिए हर साल 9 जनवरी को NRI डे मनाया जाता है। कौन सा डे मनाया जाता है? NRI डे मनाया जाता है। और इसके साथ साथ आपने एक और सुना होगा, प्रवासी भारतीय दिवस। सुना है प्रवासी भारतीय दिवस? 2006 से शुरू हुआ था वो। इसमें होता क्या समझ लो, प्रवासी भारतीय दिवस की बात कर रहा हूँ, कि जो भी हमारे NRIs हैं, NRI कौन होते हैं? इंडियन सिटीजन होते हैं, होते हैं इंडियन सिटीजन, ठीक है। पर वो बिजनेस के पर्पज से या एजुकेशन के पर्पज से बाहर रह रहे होते हैं, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बाहर कर रहे हैं वो लोग, तो अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए हम प्रवासी भारतीय दिवस शुरू किया हमने, ठीक है। और उनको कई टाइप की फैसिलिटीज देते हैं, ठीक है। तो प्रवासी भारतीय दिवस भी 9 जनवरी को ही शुरू किया गया था, ठीक है। और हर साल अलग अलग जगह पर क्या किया जाता है? ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है। तो इस डेट से हमें दो चीज़ क्लियर हो गई कि एक NRI डे मनाया जा रहा है और एक प्रवासी भारतीय दिवस, इंग्लिश में भी वही बोलते हैं, ठीक है। अब गांधी जी इंडिया आ गए। अब इंडिया के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है क्योंकि अभी तक वो फॉरेन में ही रहे थे। तो वो अपना गुरु बनाते हैं, पॉलिटिकल गुरु, पॉलिटिकल गुरु बनाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको गुरु बनाते हैं? अपना गोपाल कृष्ण गोखले को। और भारत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, ठीक है, इकट्ठी हो गई। उसके बाद आपको पता है गांधी जी थोड़े से फेमस होते हैं चंपारण से, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, ठीक है, उसकी बात करेंगे बाद में। यहाँ पर मैं कुछ फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ गांधी से रिलेटेड। तो पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और उनकी कई सारी किताबें हैं। कई सारी क्या हैं? किताबें हैं। गांधी जी कैसे थे? ओल्ड। हम लोगों ने जवानी वाली फ़ोटो तो देखी नहीं, ऐसा ही है ना। पर उन्होंने किताब लिखी यंग इंडिया। कौन सी किताब लिखी? यंग इंडिया। और क्या होता था? गांधी जी कहते रहते थे सत्य की राह पर चलो, ठीक है। तो एक बात बताओ कि मैं झूठ बोलता हूँ और मैं आपसे कहूँ कि आप सच बोलो तो बोलोगे? तो एक्सपेरिमेंट तो मुझे खुद पर करना पड़ेगा ना। तो उन्होंने किताब लिखी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। बार बार गांधी जी कहते रहे कि हमें स्वराज चाहिए, हमें स्वराज चाहिए। तो उनकी किताब का नाम हो गया हिंद स्वराज। कुछ फेमस चीज़ें ही बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बता रहा आपको। कौन सी किताब हो गई? हिंद स्वराज, ठीक है। नवजीवन भी कह सकते हो, नया जीवन, कि भारत को उन्होंने एक नया जीवन दे दिया। ये सारी गांधी जी की क्या थी? किताबें थी। क्लियर है, ठीक है। तब अब आप लोग लिखना चालू करो। गांधी के बारे में बता रहा हूँ मैं, गांधी फेस की बात नहीं कर रहा अभी। यह हेडिंग लिख के गांधी लिख लेना हेडिंग। और उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखोगे जो मैं बोल रहा हूँ वो,
गांधी जी वेंट साउथ अफ्रीका फॉर अ केस ऑफ इंडियन मर्चेंट अब्दुल्ला फॉर अ केस ऑफ इंडियन मर्चेंट अब्दुल्ला गांधी जी एक भारतीय व्यापारी गांधी जी एक भारतीय व्यापारी अब्दुल्ला के केस में साउथ अफ्रीका गए। सेकंड पॉइंट, गांधी जी रिटर्न इंडिया ऑन 9 जैन 1915। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे। और आप लोग मेंशन कर लेना 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, एनआरआई डे और प्रवासी भारतीय दिवस की शुरुआत भी होती है। प्रवासी भारतीय दिवस। उसके बाद आप लोग लिख लो उनके पॉलिटिकल गुरु का नाम, गोपाल कृष्ण गोखले, राजनीतिक गुरु। गोपाल कृष्ण गोखले उसके बाद ये चारों लिख लो। और याद करने की जरूरत नहीं है, गांधी जी के जो थॉट्स हैं ना उसी से मैंने बुक बनाए हैं। बस ये मैंने नहीं बनाया, मतलब मैंने बताया है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। नहीं, और सिंपल सी बात है, नॉवेल्स पढ़ने से तो बेटर है कि ये बुक्स पढ़ लिया जाए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग हो रही है, तो इनसे भी अंग्रेजी स्ट्रांग होगी, क्योंकि ख़राब नहीं थी इनकी अंग्रेजी। कभी पढ़ के देखना, मतलब पता चलेगा कि अंग्रेजी थी इनकी, यहाँ से थोड़ी ना पढ़े थे ये लोग। कभी सुनना आप लोग जो स्पीच देते हैं ना ये लोग, जो वीडियोज़ हैं पुरानी वाली आज़ादी के टाइम की, सुनना क्या जबरदस्त इंग्लिश बोलते हैं ये लोग। तो इनकी किताबों में क्या होगा, नहीं होगा। और जब इनकी किताबें पढ़ोगे तो आपको इंडिया के बारे में पता चलेगा, पर अगर हम आजकल के नॉवेल्स पढ़ लेते हैं तो उससे हमें कुछ नहीं मिलता है, ठीक है। वो बनावटी कहानियों के, वो हमें थोड़ी सी बैकग्राउंड बताते हैं आज़ादी का, इंडिया का, तो जानोगे इंडिया को रियलिटी में। बिल्कुल, वो एक्ट लगाया जाता था, बाद में ख़त्म कर दिया गया था। वो हो गया, इतना लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद गांधी जी ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडियंस को कहा था कि सपोर्ट करो ब्रिटिशर का, तो इसलिए ब्रिटिशर ने गांधी जी को केसरी हिंद का टाइटल दिया था। देखो, ब्रिटिश टाइटल्ड गांधी जी एज केसरी हिंद। ब्रिटिश सरकार ने केसर, ऐसे लिख लेना, केसरे हिंद। तो ध्यान रखना कि केसरे हिंद का टाइटल गांधी जी को किसने दिया था, ठीक है। और बाद में गांधी जी लौटा भी देंगे, वापस भी दे देंगे, ठीक है। हम लोग आजकल सुनते हैं ना कि उन्होंने पद्मश्री लौटा दिया, ठीक है। हम लोग सोचते हैं कि वो लोग पागल हैं, क्या लौटा रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, ऐसे ही है ना, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। पर सिंपल सी बात है कि हम उनकी अनदेखी कर रहे हैं, उस सरकार ने दिया, अगर हम सरकार को वापस कर रहे हैं तो हम बता रहे हैं उन्हें कि हमें आपकी चीज़ नहीं चाहिए, आप हमारे अगेंस्ट जा रहे हो। तो बेसिकली हम लोग बस कह देते हैं, उसका बैकग्राउंड समझने की कोशिश नहीं करते।
इतनी बात क्लियर हो गई, गांधी क्लियर हो गया अब, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात करूंगा किसकी, चंपारण सत्याग्रह की। हेडिंग होगा चंपारण सत्याग्रह, ब्रैकेट में 1917, चंपारण सत्याग्रह ब्रैकेट में 1917, ठीक है, समझते हैं इसको। चंपारण कहां पर है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और उस डिस्ट्रिक्ट में जो समस्या थी इंडिगो फार्मिंग की थी, लिखना मत कुछ भी, बैकग्राउंड समझो। तो जो 19 सेंचुरी, अगर मैं बोलूं 19 सेंचुरी की शुरुआत कब हुई तो आप लोग बता सकते हो? हाँ हाँ, मुझे सिर्फ यही जानना था कि अगर मैं 19 सेंचुरी बोल रहा हूँ तो 1801 से शुरुआत हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो 19वीं शताब्दी का मतलब ये है कि 19वीं शताब्दी में ना क्या हुआ कि हमारे यहाँ पर एक्सप्लोटेशन बढ़ गया, किसका, ब्रिटिशर का, ठीक है। उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट बनाए, ट्राइबल्स एक्ट बनाए, और इसकी वजह से जो जनजाति थी, ट्राइब्स थी, उस पर इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। और इसी तरीके से कई सारे मूवमेंट चलाए गए थे पहले भी, ठीक है। तो अब चंपारण में क्या हुआ कि चंपारण में किसानों को मजबूर किया जाता था, क्या किया जाता था, मजबूर कि वो इंडिगो की फार्मिंग करें, किसकी फार्मिंग करें, इंडिगो की फार्मिंग करें, नील की खेती करें। और नील आपको पता है कि कपड़ों में रंगाई के काम आता है, तो उसकी डिमांड थी बहुत ज़्यादा कहाँ, फॉरेन में, तो उससे पैसे अर्न कर सकते थे वो, ठीक है। तो आप लोगों ने, मुझे नहीं पता, एक सुना कट्ठा क्या होता है, कट्ठा, हाँ, लैंड मेजरमेंट वाला होता है, लैंड का, जैसे बीघा वगैरह होता है ना, नहीं सुना आप लोगों ने, जैसे गांव वगैरह में जाओगे तो वहाँ ये शब्द सुनने को मिलता है, जैसे यहाँ पे गद सुनते हैं ना हम, तो वहाँ पर बीघा होता है, कट्ठा होता है, इस तरीके से होता है, एकड़ होता है। तो उस टाइम क्या था कि एक बीघे में 20 कट्ठे होते थे, कितने कट्ठे होते थे, 20, और उसमें से फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि उसके तीन पार्ट पर क्या करें, इंडिगो की फार्मिंग करें। मतलब अगर मैंने कहा 20 पार्ट हैं किसी भी चीज़ के, तो मतलब किसानों को फोर्स किया जाता था 3/20 पार्ट पर वो क्या करेंगे, इंडिगो की फार्मिंग, ठीक है। मैं अगर 20 का निकालूं और उसमें से 3 पार्ट्स निकालूं तो 3/20 ही होगा। तो इतने पार्ट्स पर कहा जाता था कि आप इंडिगो की फार्मिंग करो। तो इस व्यवस्था को बोलते थे तीन कठिया सिस्टम, तीन कठिया व्यवस्था, तो ये जो मूवमेंट था चंपारण, ये तीन कठिया सिस्टम के विरोध में था, ठीक है। किसके विरोध में था, तीन कठिया सिस्टम के विरोध में था, ठीक है। अब आगे समझो, ये बात समझ आ गई आपको, इंडिगो की फार्मिंग हो रही है। अब गांधी जी अपने आप तो चले नहीं गए होंगे, उन्हें सपना तो आया नहीं होगा, है ना, कि वहाँ कुछ हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। तो वहाँ पर एक जमींदार थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। इन्होंने सुना होता है कि एक महात्मा जी आए, अभी तो खैर महात्मा नहीं बने हैं गांधी जी, ठीक है, इस टाइम नहीं बने हैं जब मैं अभी करा रहा हूँ आपको। तो इन्होंने सुना होता है कि एक महात्मा जी आए हैं, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से, ठीक है, बड़ा नाम है उनका, चमत्कार कर देते हैं, मतलब सुना होता है सत्य और अहिंसा के बारे में उनके। तो ये गांधी जी के पास जाते हैं, कहते हैं आप हमारे चंपारण आओ, ठीक है, और वहाँ किसानों की समस्याओं को देखो। तो गांधी जी कहते हैं मैं नहीं जाऊँगा, मना कर देते हैं। और आज अगर हम में से किसी को कोई मना कर दे कुछ, कट्टी उससे तो बिल्कुल ही, ठीक है, ऐसे ही होता, हम दोबारा सुनेंगे नहीं उसकी। और उस टाइम के लोग होते थे जिद्दी टाइप, ये पीछे पड़ गए, अब जहाँ गांधी जी जाते वहाँ ये भी चले जाते, ठीक है। तो अंत में गांधी जी मान गए, ठीक है, और चंपारण गए। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ल ने, ठीक है। और वहाँ जो किसानों की जो भी इंडिगो फार्मिंग से जो फसल बर्बाद हुई थी उसके लिए कंपनसेशन की मांग की जाती है, ठीक है, ब्रिटिश सरकार से, और ब्रिटिश सरकार मना करती है, फिर बाद में 25% के लिए राज़ी हो जाती है कि 25% हम आपको कंपनसेशन देंगे या क्षतिपूर्ति देंगे। फिर गांधी जी राज़ी हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, पर किसान कहते हैं
बाबू जी ये क्या कर रहे हो, हमने तो 100% मांगा था, ठीक है ये तो हमारी हार हो गई। गांधी जी ने कहा कि 25% भी मिल रहा है ना आपको, ये उनकी हार है, ठीक है। तो थोड़े से में भी संतोष करना चाहिए, समझ गए। तो जब ये मूवमेंट सफल होता है उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर गांधी जी को महात्मा का टाइटल देते हैं। किसका टाइटल देते हैं? महात्मा का टाइटल देते हैं, ठीक है। लिखो आप लोग, इट वॉज फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ गांधी इन इंडिया। भारत में गांधी जी का ये प्रथम सत्याग्रह था, सत्याग्रह ऑफ गांधी इन इंडिया। हो गया, गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। नेक्स्ट पॉइंट, इट वॉज अगेंस्ट तिनकटिया सिस्टम। इट वॉज अगेंस्ट तिनकटिया सिस्टम इन विच फार्मर्स वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन 3/20 पार्ट ऑफ लैंड। यह तिनकटिया व्यवस्था के विरुद्ध था, हिंदी में यह तिनकटिया व्यवस्था के विरुद्ध था जिसमें किसानों को भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, राजकुमार शुक्ल इंग्लिश में ए लग जाता है बस, ठीक है, यह है शुक्ल ही। इनवाइटेड गांधी जी इन चंपारण। राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण बुलाया था। और लास्ट पॉइंट लिखो इसमें, रविंद्रनाथ टैगोर टाइटल्ड गांधी जी एज महात्मा। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी, ठीक है। बाकी जितने भी मूवमेंट की बात होगी हम लोग अगली क्लास में करेंगे, पर अभी सिर्फ नोटबुक बंद करो। अभी सबके सब अपनी नोटबुक बंद करो और 5 मिनट में रिवीजन करना है इस सारे टॉपिक को, ठीक है, सिर्फ 5 मिनट में। सुनो आप ध्यान से, 1885 में क्या हुआ, और पार्टिसिपेशन चाहिए पूरी क्लास से, मुझे बताओ। कांग्रेस इस्टेब्लिश हुई, उसके बाद उस टाइम वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन। कौन वायसराय थे? ठीक है, कितने डेलीगेट्स ने पार्टिसिपेट किया था? 72। उसके बाद मुझे बताओ कि 1905 में क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल। उसके बाद मुझे बताओ गणपति उत्सव किसने शुरू किया था, कौन से ईयर में? उसके बाद शिवाजी उत्सव
1895 किसने? हु इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट? बाल गंगाधर तिलक। कौन, किसने कहा था उन्हें? वैलेंटाइन शिरोल ने। उसके बाद कलकत्ता सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? दादाभाई नौरोजी। उसमें कितने प्रस्ताव पास किए गए? 4। स्वराज किसने दिया था? दादाभाई नौरोजी ने। उसके बाद 1907 में क्या हुआ? सूरत स्प्लिट। कौन सा हुआ? प्रेसिडेंट कौन थे उसके? रास बिहारी घोष। उसके बाद दिल्ली दरबार कब लगा? 1911 में। कौन से नंबर का था ये? वायसराय कौन थे इस टाइम? लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ कि बंगाल के पार्टीशन को कब रद्द किया गया? 1911। गदर पार्टी कहाँ इस्टेब्लिश हुई थी? फाउंडर कौन थे? लाला हरदयाल। कौन थे फाउंडर इसके? कौन से वर्ष में स्थापित हुआ? 1913 में। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ लखनऊ सेशन के प्रेसिडेंट कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। कौन थे? ठीक है, उसके बाद इसमें दो बातें हुई थी, क्या हुई थी? कांग्रेस मुस्लिम लीग क्या हो गई? एक हो गई। और लिबरलिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट भी क्या हो गए? एक हो गए। गांधी जी कब आए थे वापस इंडिया? 9 जैन को क्या मनाया जाता है? केसरी हिंद का टाइटल किसने दिया था? गांधी जी की 4 बुक का नाम बताओ। हो गई याद। उसके बाद पॉलिटिकल गुरु गांधी जी के? गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी का पहला सत्याग्रह? चंपारण सत्याग्रह। तो लगभग याद हो गया आपको, और डेली ऐसे ही रिवाइज करो और आप लोगों का पूरा नेशनल मूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं।